हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग एपिसोड ऑफ बेकिंग की पाठशाला। एंड मेरे हाथ में क्या है आज? लोफ पैन नहीं है, आज हम सिंपल स्क्वेयर टिन में बेक करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, आज है हमारी रेसिपी इस चॉकलेट फज केक। भाई चॉकलेट केक का बाप, फज केक टेस्ट सो गुड, बिकॉज इसमें जो वो फजी टेस्ट आता है ना, उसके क्या कहने। एंड उसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके मैं आज आपके साथ आई हूँ इन आवर मंथ ऑफ जुलाई, द मंथ ऑफ टी केक्स, जहाँ हम सीख रहे बेकिंग की पाठशाला में डिटेल में कि टी केक कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे चॉकलेट फज केक में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 42 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, 175 ग्राम्स ऑफ हॉट वाटर, 70 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड चॉकलेट, आप कोवर्चर या कंपाउंड कोई भी यूज़ कर सकते हो, 125 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या रेगुलर मैदा, 25 ग्राम्स ऑफ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर जिसको आप बोलते हो, बट एक्चुअली वो कॉर्न स्टार्च है, क्योंकि कॉर्न फ्लावर मतलब मकई का आटा, बट जो हम यूज़ करें वो है कॉर्न स्टार्च, जो आप सूप में भी डाल के थिकनिंग के लिए यूज़ करते हो, 150 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर, ठीक है, इसमें कैस्टर शुगर मत डालना, जैगरी मत डालना, ब्राउन शुगर लिखा है, प्लीज़ ब्राउन शुगर डालना, बिकॉज ब्राउन शुगर से ही ये पूरा फजी टेस्ट आएगा, सो इस केक की जान है ये शुगर, 110 ग्राम्स ऑफ सॉल्टेड बटर रूम टेम्परेचर में। अच्छा, अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ ऐड 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू द रेसिपी, ठीक है, मैं यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ आज, 2 eggs, 1/2 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस, 1/2 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 teaspoon प्लस 2 pinch ऑफ बेकिंग पाउडर। चलिए शुरू करते हैं अब हमारी रेसिपी। अच्छा, अब हमारे पास है स्क्वायर टिन, तो इसको भी हम प्रिपेयर करेंगे। स्क्वायर टिन लाइन करने का बहुत सिंपल हिसाब है। क्या करना है, सबसे पहले ना हम हमारा बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर को कट कर लेते हैं। सो आपको ध्यान लेना है कि जो स्क्वायर टिन है ना, उससे आपका बटर पेपर बड़ा हो, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको अगर आप उल्टा कर लो, ठीक है, सो अब हम फोल्ड कर लेते हैं इसको चारों साइड से, ठीक है। तो आपको पता है ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, जैसे एक बॉक्स रैप होता है ना दिवाली में, अगर आपने घर वालों के साथ गिफ्ट रैप किए हैं, क्योंकि मैंने अपने पापा के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स रैप किए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो उससे क्या होता है, आपको चारों पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि हमारे ये चार पॉइंट्स हैं। अब क्या, अब नॉर्मल सीजर लेना है और आपको ये 4 points कट कर लेने हैं, सिंपल, 1, ठीक है। अब हम एक बार चारों पॉइंट को रख के देख लेंगे कि हाँ बढ़िया तरीके से प्लेस हो रहा है कि नहीं। अब सिंपल थोड़ा सा ऑयल लेंगे एंड उससे ब्रश करेंगे, तो मैं फटाफट ऑयल लेके आती हूँ, ये रहा ऑयल, सो आई विल टेक थोड़ा सा ऑयल, जस्ट टेक योर सिलिकॉन ब्रश एंड इसको आप अच्छे से ब्रश कर दो ऑयल को सारे साइड्स में। सो ये हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको हमारा टिन प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो हमने ऑयल ब्रश कर दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पहले हम टिन प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम अवन ऑन करेंगे रीहीट करने के लिए, और उसके बाद हम बैटर बनाएंगे, ठीक है। सो हमारा बढ़िया तरीके से जो बेकिंग पेपर है वो एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है तैयार, एंड सारे साइड्स में अच्छे से हमारा ये पेपर लग चुका है, ठीक है। अब हमारा टिन प्रिपेयर हो गया, इसको हम रखेंगे साइड और चलिए करते हैं हम हमारा अवन प्री हीट, ठीक है। तो हमने हमारा टिन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो स्टेप 1 डन। स्टेप 2 क्या है, अवन को प्री हीट करते हैं। सो हमें हमारा टेम्परेचर रखना है 175 डिग्री सेल्सियस और इसको हम करते हैं 20 मिनट्स के लिए प्री हीट। क्या ध्यान रखना है,
ब्लैक ट्रे नीचे है और सेंटर पे वायर रह के हम सेंटर पे केक रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं बंद, उसके बाद वेट करेंगे ये प्री हीट होए। मीनवाइल हम हमारा बैटर रेडी करते हैं। कूल, चलो शुरू करते हैं। भाई ये मेजरमेंट करते करते ना पानी ठंडा हो गया था, तो गर्म पानी को फिर से मैंने चेंज करके वापस गर्म पानी लिया है। तो आप मेक श्योर करना कि पानी एकदम गर्म हो। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे और बोल में हम डाल देंगे गर्मा गर्म हमारा पानी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। वी आर ड्राइड, अब तक हम लोग कोको पाउडर सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ डाला करते थे, राइट। बट अभी हम लोग इसमें भी डाल रहे हैं एंड वी गोना मिक्स इट एंड मेक श्योर कि ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो मेक श्योर करना आप हमेशा इसको गर्म पानी में ही मिक्स करो और एक विस्क की मदद से, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक विस्क की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक विस्क की मदद से इसे ईजीली मिक्स कर लो। अब इसमें हम डालेंगे हमारा मेल्टेड चॉकलेट, चॉकलेट पानी में। यस, सारी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आज वही हो रहा है इस फज केक में, बिकॉज ये चीज़ें जो है ना ये तब तक एक मिथ होती है जब तक इसका आपको सही टेक्निक ना पता हो। सो जस्ट रेगुलर मेल्टेड चॉकलेट, आप चाहो तो कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो किसी भी ब्रांड का। यहाँ पे जस्ट मेक श्योर करो जितना हाई क्वालिटी चॉकलेट होगा उतना हाई क्वालिटी आपका फज केक टेस्ट करेगा, ठीक है। आई विल कीप इट असाइड एंड मिक्स इट। कूल, ये ऐसे लग रहा है इसी को हॉट चॉकलेट बन गया है और इसी को पी लो, इट विल टेस्ट सो नाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम हमारा बटर भी ऐड कर लेंगे। वो तो सब कुछ इसी में ही ऐड हो रहा है, ठीक है। सो वील टेक आवर नॉर्मल बटर, रूम टेम्परेचर बटर, मेल्टेड बटर मैंने क्यों नहीं बोला है बिकॉज ऑलरेडी ये मिक्सचर गर्म है, सो वो अपने आप ही उसकी हीट से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू ऐड मेल्टेड बटर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बटर वुड डू। हमारे यहाँ आज काफ़ी गर्मी है सो आप देख ही सकते हो गर्मी का हाल बटर से देख के ही पता चल जाता है कि क्या हाल है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स द बटर। नाउ वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है, बिकॉज ये गर्म है जस्ट बिकॉज वी हैव यूज हॉट वाटर। एंड आपको मेक श्योर करना है ये सब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, कोको पाउडर के कोई लम्स ना रहे, एंड दैट्स द रीज़न वी आर यूजिंग द विस्क, ठीक है। इसी में वी विल ऐड इन द वनीला एसेंस। कूल, एंड गिव अ नाइस मिक्स। सो वील कीप इट अ साइड। नाउ मूविंग ऑन टू आवर ड्राई इंग्रेडिएंट, उसके लिए हम क्या चाहिए, छन्नी। छन्नी तो है बट बोल किधर है, चलो बोल लेके आते हैं। ये रहा हमारा बोल, ये रही छन्नी, और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हमारा जो रेगुलर मैदा है वो, ठीक है। साथ ही साथ हम डालेंगे कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च। इंडिया में हम कॉर्न फ्लावर बोलते हैं, बाहर हम इंटरनेशनली कॉर्न स्टार्च बोलते हैं, एक्चुअली टर्म कॉर्न स्टार्च ही सही है। फिर हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, साथ ही साथ बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मैंने पहले भी बताया दोनों केमिकल लेवनर्स है, बट आप पूछोगे इसमें आज हम बेकिंग सोडा क्यों डाल रहे हैं, एसिडिक क्या है, एसिडिक है इसमें ब्राउन शुगर। सो यस, ब्राउन शुगर से इट विल गेट दैट एसिडिटी और वो रिएक्शन मिलेगा, इसी वजह से इस रेसिपी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है, बिकॉज उसको वहाँ से एसिडिक रिएक्शन मिलेगा एंड इट विल गिव द प्रॉपर इफेक्ट एंड केक अच्छे से राइज होगा। एंड बेकिंग पाउडर इसलिए क्योंकि इनफ एसिड नहीं है, तो बाकी क्योंकि एसिड नहीं है इस वजह से हम बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
नाउ वी गोना सीव द ड्राई इंग्रेडिएंट। हल्के हाथों से इसको आप नॉर्मली सीव कर लीजिए। नाउ टेक अ विस्क एंड मिक्स इट टुगेदर। मिक्स क्यों कर रहे हैं? ताकि केमिकल अवेनर अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि इवन रिएक्शन मिल पाए। इसके बाद हम लेंगे हमारा आखिरी बोल। बहुत सिंपल रेसिपी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट देखो, रेसिपी में ना दूध है ना दही है, सिंपल बेसिक चीज़ें है। एंड बढ़िया केक बन के निकलेगा आज। अब हम लेंगे एक मीडियम साइज बोल और उसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर अगर ओरिजिनल है वो ऐसे ही सॉगी हो जाएगा, लम्स होंगे। दिस इज और सही जिसे कहते हैं ना, उसका ट्रू नेचर है, इसका मतलब प्योर है। साथ ही साथ हम डाल रहे हैं दो एग्स इसमें, ठीक है। एंड वी गोना टेक अ विस्क। आज इलेक्ट्रिक मिक्सचर भी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, आज कुछ भी नहीं, सिंपल हैंड मिक्सर के साथ, बलून विस्क के साथ काम कर रहे हैं हम। सो इसको हल्के से हम बीट कर लेंगे, द ब्राउन शुगर एंड एग्स। सी लाइटली जस्ट विस्क इट। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि इलेक्ट्रिक ब्लेंडर आज यूज़ करने की, यू जस्ट मिक्स इट नाइसली, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो सुपर यम हॉट चॉकलेट मिक्सचर बना हुआ है उसको। सो आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द हॉट चॉकलेट मिक्सचर इन द शुगर एंड एग। एक भी कतरा इसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना है हम सारा का सारा डाल देंगे, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही तो है असली चॉकलेटी गुडनेस। वेस्ट करने के लिए बाकी चीज़ें हैं, इसको नहीं वेस्ट करेंगे हम। We'll just clean the area. Baking में ये बहुत important है, हम cleaning कभी मत भूलना। Cleaning भी बहुत ही important है, जितना आप bake करना important है cleaning भी उतना ही important है। So जैसे ही हमने egg डाला, अच्छा ये हमने make sure कर लिया था कि अभी जो हमारा hot chocolate वाला जो हमारा mixture था, जिसमें हमने melted chocolate, cocoa powder, hot water सब डाला था, butter डाला था, वो room temperature पे था, तब हमने उसे एग्स में डाला है। अगर वो आप गरम डालोगे तो एग विल स्टार्ट कुकिंग, ठीक है। देन स्क्रैम्बल एग खाओगे, फज केक नहीं खाओगे। तो ये ध्यान रखना कि उसका टेम्परेचर एकदम रूम टेम्परेचर पे हो, नॉर्मल हो, कूल डाउन हो गया हो। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब, बस नॉर्मल रूम में कूल डाउन हो जाए, ठीक है। नाउ यू विल सी प्रॉपरली मिक्सचर मिक्स हो गया अच्छे से। नाउ आई विल कीप ऑन एडिंग लिटिल बिट of flour and keep on mixing it, ठीक है। So मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जो हमारा ड्राई इन्ग्रीडियंट है उसको ऐड किया एंड हल्के हाथों से विस्क की मदद से ही अब आप इसको मिक्स करोगे। यूजली मैं स्पैचुला से मिक्स करती हूँ, बट इस केस में आपको विस्क यूज़ करना है, बिकॉज बहुत सारा मॉइस्चर है। यू कैन सी ना कितना हमने पानी डाला है इसमें, 175 grams। यार ml बोलो ग्राम बोलो, बात एक ही चलता है, क्योंकि मैं तो वेइंग स्केल में ग्राम्स में ही माप रही होती हूँ। सो आइडियली लिक्विड इंग्रेडिएंट को आपको जग्स में मेजर करना चाहिए, बट सबके पास तो ऐसे जग्स हैं नहीं ना मेजरिंग के लिए। सो मैं जस्ट मेक श्योर करती हूँ कि सिर्फ आप वेइंग स्केल खरीद लो, अगर मेरे साथ आपको बेकिंग सीखनी है उतना काम आप कर लो, बाकी मैं सिखा दूँगी आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा मैदा लिया और दोनों हाथ में ऐसे, जब आप ग्लास जार्स रखोगे, ग्लास बोल्स रखोगे, थोड़े थोड़े आपके मसल्स भी बन जाएंगे इसी के साथ। और जितना मीठा खाओगे वो, उसके लिए भी हमें थोड़ा हेल्दी होना भी तो ज़रूरी है ना, वैसे वाला हेल्दी नहीं, ठीक है। आपको थोड़ा फिट होना चाहिए ताकि आप मीठा खा सको। नाउ वी ऐड सम मोर ड्राई मिक्स, मिक्स इट टुगेदर। इसको हम टोटली 5-6 बारी में डाल रहे हैं and you can see धीरे धीरे it start coming together, full batter mode पे आ रहा है। इसीलिए बोला था थोड़ा बड़ा सा medium size का बोल लो, छोटा बोल लेते तो कहाँ से मैदा फिट आता उसमें। Now we'll add the last bit of maida and final mixing। ध्यान रखना हाँ, ये केक मैं बता रही हूँ,
और इसको हम सिर्फ केक की तरह नहीं खाएंगे, आप देखना जब हम इसको खा रहे होंगे ना, आपका मन करेगा आप स्क्रीन में आके खा जाओ इसको, ठीक है। नॉर्मल आप इसको, ये इतना बढ़िया है ना, इसका बैटर ऐसे पी जाओ, वे इतना इतना गजब है। तो मेक श्योर करना अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करो, अच्छा क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ करो, अच्छे क्वालिटी का चॉकलेट यूज़ करो, गजब है सीरियसली। सो वी गोना मिक्स इट यूजिंग द कट एंड फोल्ड मेथड। स्पैचुला से क्यों कर रहे हैं, टू मेक श्योर नीचे कोई ड्राई इंग्रेडिएंट ना रह गया हो, दैट्स इट, और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है। कट एंड फोल्ड 3-4 बार कर लो। अब क्या, हमारा टिन प्रिपेयर है, उसमें डालेंगे और हम इसको ओवन में डालेंगे बेक होने के लिए। चलो बैटर तो रेडी हो गया, अब टिन लेके आए हैं, टिन में हम पोर करेंगे। टिन कितना बढ़िया लाइन हुआ है ना, देखो स्टेप फॉलो करोगे ना, इतना बढ़िया बेकर बना दूंगी ना, होम बेकर, गजब। सारा बैटर इसमें डाल दो। एंड ये जो जनता है ना, एक चीज़ मेरे को सुनने में आई है कि आप लोग 2-2 साल पुराना बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हो क्योंकि एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जी नहीं, हर 3 से 4 महीने में आप अपना बेकिंग पाउडर चेंज करो, ठीक है। इसीलिए बड़ा डब्बा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा डब्बा खरीदो, हर 3-4 महीने में अपना बेकिंग पाउडर चेंज करो और हर महीने आप अपना बेकिंग सोडा चेंज करो, उसके वजह से आपका केक नहीं फूलता। फिर बोलते हो प्रियंका आपकी रेसिपी तो हमने फॉलो की बट केक हमारा राइस नहीं हुआ, केक हमारा डेंस हुआ। तो हो सकता है ना पहले आपके जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो, जो केमिकल लेवनर यूज़ कर रहे हो भाई, उसी में थोड़ी दिक्कत है। बाकी अंडा तो आप चेंज नहीं करोगे, मैदा तो वही है। सो वंस द बैटर इज पोर इनटू योर टिन, गिव अ नाइस टैप, अच्छा सा टैप किया, ठीक है। एंड अब इसके बाद आप ये चीज़ प्लीज़ नोट करो, देखो जो बैटर है टिन में, वो ऐसा नहीं है कि टिन का 80% फिल है, वो 50% तक ही फिल होना चाहिए तभी वो अच्छे से राइज होता है। ओवरफिल कर दोगे ना तो भी डोम क्रिएट होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैटर टिन के 50% से ज़्यादा फिल ना हो। अब हम इसको लेंगे और अवन में डाल देंगे। सो नाउ दिस गोज इनटू आवर अवन। आप ना ये सब सुपरमैन वाली हरकतें ना करें, आप ग्लव्स पहन के अवन में डालें। मैं ये लास्ट 8-8.5 साल से कर रही हूँ तो हाँ हमें आदत है, मैं ऐसे ही डाल सकती हूँ बिना ग्लव्स पहने, ठीक है। आप लेकिन ग्लव्स पहन के डालो फुल सेफ्टी के साथ। और अगर आप घर पे बना रहे हो, एयर फ्रायर बना रहे हो तो भी प्रीहीट करो, डाल दो। और अगर आप कुकर में बना रहे हो, कुकर की सीटी निकाल के साइड में रखो, 5 लीटर का कुकर लो, एक स्टैंड आता है वो रिंग स्टैंड रखो कुकर के अंदर, कुकर का ढक्कन बंद करो, उसको 15 से 20 मिनट तक प्रीहीट करो, ठीक है। इसके बाद आप बैटर रेडी रखो, ढक्कन खोलो, इमीडिएटली उस स्टैंड के ऊपर अपना टिन रखो, फटाफट ढक्कन बंद कर दो, सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं केक कह रही हूँ, जैसे इस वाले केक को अप्रॉक्सीमेटली हमारा 35-40 मिनट्स लगेगा बेक होने में, ठीक है, तो कुकर में वही चीज़ 10-15 मिनट ऊपर लगेगी, गैस में 10-15 मिनट ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो गैस में सेम केक आपका करीबन 45-55 मिनट के अंदर बनेगा, ठीक है, बट अवन में आपका 35-40 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डाल रहे हैं अवन में एट 175 डिग्री सेल्सियस फॉर 35-40 मिनट्स। सो अब 35-40 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं हमारे केक की क्या हालत है। चलिए देखें, सबसे पहले ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। ओके, ओ द केक लुक सो नाइस, जस्ट लुक एट इट, सो किलर। सो केक हमने वायर रैक पे रख दिया है। अब एक केक स्क्यूअर या बैम्बू स्क्यूअर किसी के साथ भी हम चेक करते हैं, सेंटर में डाल के देखेंगे, सेंटर कम्स आउट क्लीन, मतलब केक एकदम हमारा कुक्ड रेडी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑफसेट स्पैचुला लेंगे और सारे एजेस से रिलीज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमने इतना बढ़िया बटर पेपर कट किया है, एजेस वैसे ही क्लीन ही आएगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि किसी भी एज पे ये स्टिक ना हो, ठीक है। सो वो चीज़ आप ध्यान रखना,
एंड ये केक ना थोड़ा सा वो फजी केक है ना, सो थोड़ा सा सॉफ्ट बट टेस्ट में उफ द परफेक्ट केक। इसके बाद आप दूसरा चॉकलेट टी केक कैसे खाओगे? नहीं खा पाओगे। सो जब साइड्स हमने रिलीज़ कर दिया, अब एक अच्छा सा आप प्लेट लीजिए, कोई भी प्लाटर, ठीक है, जिसको ऊपर हम इसको रखेंगे ताकि हम इस पे से निकाल सकें। काफ़ी गर्म केक है, काफ़ी मॉइस्ट है और आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट वन सेकेंड, हम इसको ले लेते पहले अपने हाथों में। वन टू एंड थ्री। सो वी विल नीड अगेन वेयरिंग आवर ग्लव्स एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओके, जस्ट लुक एट इट। अब हम इसका जो बटर पेपर है उसको हम अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ आप इसको उठाएं, ठीक है। ये बहुत ही मॉइस्ट केक है, सो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट हाथों के साथ इसको उठाएं। आप देख सकते हो जो एजेस भी है एकदम एकदम मॉइस्ट है, बट द टेस्ट इज सो गुड, द परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस। और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम और बढ़िया बनाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट इट कूल डाउन इसको, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। सो हमारा चॉकलेट फर्स्ट केक एंड साथ में सम चॉकलेट गनाश फ्रॉस्टिंग। अच्छा, ये मिल्क चॉकलेट बटर क्रीम के साथ भी गजब जाता है, बट आज हम सिंपल चॉकलेट गनाश के साथ ही इसको ड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ब्यूटी अलग है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू सोक इट, वाइल इट्स लिटिल वॉर्म, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट। नॉट बहुत बढ़िया तरीके से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रफली हम इसे करेंगे, ठीक है। टेक सम गनाश। गनाश बनाने का बहुत ही सिंपल वे है, इसको जस्ट टेक टू पार्ट्स ऑफ चॉकलेट एंड वन पार्ट ऑफ क्रीम, दैट्स इट। दोनों को डबल बॉयलर पे आप चॉकलेट को मेल्ट कर लो हल्का सा, या माइक्रोवेव में आप मेल्ट कर सकते हो, एंड देन मिक्स करो एंड यू हैव अ नाइस सिल्की स्मूथ गनाश रेडी। सो बस आपको आपका चॉकलेट गनाश इसमें धीरे धीरे से स्प्रेड करना है। गनाश की भी एक डिटेल रेसिपी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, डोंट वरी। अभी के लिए मैं इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रही हूँ। अच्छा, फज केक को इस केक में अलग क्या है, क्यों इसको फज केक कह रहे हैं? सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्राउन शुगर हमने इसमें डाला है, बिकॉज ऑफ द चॉकलेट डाला है, सो ब्राउन शुगर के वजह से जो वो मोलासेसी टेस्ट है उसकी वजह से वो फजी टेक्सचर आता है, वो चुई टेक्सचर आता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिच फज केक, ठीक है। एंड इसको जब हमने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश के साथ ड्रेस किया, इट्स टेस्ट टू द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पूरी रेसिपी डिटेल में मैंने आपको सिखा दी है, तो चलिए इसे कट करते हैं और देखते हैं इसका स्लाइस कैसा दिखता है। सो दिस इज आवर नाइस चॉकलेट फज केक, एंड यू कैन लुक एट द टेक्सचर, सो सॉफ्ट, सो नाइस, एंड दिस इज सो 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 गुड। एकदम फजी, एकदम गुई है, एंड द स्पंज एकदम माइल्ड स्वीट है, एंड द चॉकलेट गनाश इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट सो सो वेल। आप जाओ इस टी केक को ज़रूर बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड इस वीडियो को लाइक करो और उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजो, ताकि सारे फ्रेंड्स मिलके, सारी फैमिली मिलके ये रेसिपी बनाओ, एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और सुपर अमेजिंग एपिसोड में इन बेकिंग की पाठशाला विथ योर होस्ट एंड दोस्त प्रियंका कुंडू विश्वास। तब तक के लिए दिस इज योर बेकिंग मेंटर प्रियंका साइनिंग ऑफ, बाय। आई एम नॉट सैटिस्फाइड, इतना है ना मैं पूरा खा जाऊं, ट्रस्ट मी, गो अब बनाओ, बाय।